आज मैं खजूर गुड़ की खीर बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हाफ लीटर दूध चाहिए और 50 ग्राम अरवा चावल चाहिए, थोड़ा खजूर गुड़ और 4 दाने इलायची के और सूखा नारियल, ये सब सामग्री होना चाहिए। जब दूध उबलने के लिए हम गैस पे चढ़ा देंगे। ये खीर बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। ये बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, ठंड के दिनों में और भी अच्छा लगता है। जब दूध उबल जाए तो उसमें चावल धो कर हम लोग डालेंगे और उसे लगातार चलाते रहेंगे। उसे लगातार चलाते हुए ताकि वो नीचे सटे ना। जब खीर पक जाए, जब हम चावल को छू कर देखेंगे, वो अच्छी तरह से पक जाना चाहिए और दूध भी तब तक गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि खीर नीचे सटना नहीं चाहिए, तो उसमें फिर गुड़ और इलायची डाल देंगे। गुड़ को डालकर हम तब तक मिलाते रहेंगे जब तक वो अच्छी तरह से दूध में मिल ना जाए, घुल ना जाए। जब घुल गए तो उसमें ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट जो हम डालना चाहे ऊपर से गार्निश कर सकते हैं और उसे गर्म या ठंडा सर्व कर सकते हैं। आपकी खीर तैयार है।